जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ समय पहले ही हमने वीडियो अपलोड किया था कि यूपी एग्रीकल्चर पर की वेबसाइट में बड़ा परिवर्तन किया गया है और टोकन कब जनरेट होना है ये भी हमने बताया था। तो दोस्तों आज है 6/12/2022, मतलब आज से टोकन जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि जो भी हमारे किसान भाई हैं उन योजनाओं का लाभ ले सकें। तो दोस्तों यहाँ पर टोकन जनरेट होना, कृषि यंत्र से संबंधित जो भी आप टोकन जनरेट करना चाहते हैं, तो बहुत से लोगों को ये सवाल थे कि टोकन को कैसे जनरेट करेंगे। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर होता है, इस संबंध में हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं जिनको आप देख सकते हैं कि कैसे टोकन को जनरेट करना है। अब दोस्तों हम वेबसाइट में जो अभी अपडेट आया है फिलहाल में, मैंने बताया कि पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि 6/12/2022 से टोकन जनरेट होंगे कृषि यंत्र के लिए। तो दोस्तों वेबसाइट में अपडेट हो चुका है, वहां से आप टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम और ज्यादा जानकारी के लिए अब हम ले सकते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर आपको सारे प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि किस मंडल में कब टोकन जनरेट होंगे। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको बता चुके हैं कि कब जनरेट होंगे, लेकिन और भी जो सवाल हैं आपके इस वीडियो में, शायद हो सकता है कि इस वीडियो में आपके जो भी सवाल हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो दोस्तों अब हम ले चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और हमेशा की तरह हम जाएंगे यूपी एग्रीकल्चर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर ये नोटिफिकेशन प्रदर्शित होने लगा है। तो आप जैसे ही यूपी एग्रीकल्चर गूगल पर सर्च करेंगे और आपको यूपी एग्रीकल्चर, या आप डायरेक्ट भी https://upiagriculture.com ये वेबसाइट डाल सकते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जहां से हम यहां पर टोकन को जनरेट करते हैं। आप हालांकि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कोई नया नोटिफिकेशन ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका हम यहां पर कन्फर्मेशन कर सकें। हालांकि एक नया नोटिफिकेशन जरूर शो हो रहा है, किसान भाई uptracking.in पोर्टल पर उपलब्ध निर्माता कंपनी अधिकृत विक्रेताओं से ही अनिवार्य रूप से कृषि यंत्रों का क्रय करें, मतलब खरीदें, अन्यथा की स्थिति में आपको अनुदान देय नहीं होगा। इसमें जो भी पंजीकृत होंगे उनका कहने का मतलब, जो भी आप टोकन जनरेट करेंगे और कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, तो जो इसमें रजिस्टर्ड होंगे, जो डीलर रजिस्टर्ड होंगे, आप उन्हीं से ही सामान खरीदें, अन्यथा आपका यहाँ पर अनुदान दे मान नहीं होगा। आप देखेंगे कृषि यंत्र पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें, आपको इस लिंक पर जाना होगा क्योंकि यहाँ से ही टोकन जनरेट होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इस लिंक पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे। तो हम इस पेज पर चलते हैं, pmkusum.upiagriculture.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर हम पहुंच चुके हैं, और कृषि यंत्रीकरण योजनाओं में लक्ष्यों की बुकिंग प्रत्येक निर्धारित तिथि के मंडलानुसार पूर्वान 11 बजे से की जाएगी। तो यहाँ पर 11 बजे से की जाएगी, हालांकि हम डेट आपको पहले भी कंफर्म करा चुके हैं, एक बार फिर से हम कंफर्म करा देते हैं, 6/12/2022 को अलीगढ़ विंध्याचल मंडलों में टोकन जनरेट किए जाएंगे। इसके बाद 7/12/2022 को सहारनपुर मुरादाबाद लखनऊ मंडलों में किए जाएंगे। 8/12/2022 को आजमगढ़ रायबरेली आगरा और वाराणसी मंडलों में किए जाएंगे। इसके बाद 9/12/2022 को अयोध्या गोरखपुर मेरठ मंडलों में किए जाएंगे, और 10/12/2022 को झांसी देवीपटन कानपुर मंडलों में किए जाएंगे, और 12/12/2022 को प्रयागराज चित्रकूट और धाम बस्ती मंडलों में टोकन जनरेट किए जाएंगे। आप देख सकते हैं सेम एवं अन्य योजनाओं की बुकिंग हेतु क्लिक करें, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, यहां से ही टोकन जनरेट होंगे। या आप यहां पर आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट योजना के लिए बुकिंग करें, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं सेम योजना के अंतर्गत आप बुकिंग करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आप एक नेक्स्ट पेज पर पहुंच चुके होंगे। जैसे ही नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे आप देखेंगे यंत्रों पर अनुदान हेतु बुकिंग करें, तो आपको यहां पर मोबाइल नंबर फिल करना होगा। ध्यान रखें किसान का ही मोबाइल नंबर फिल करें, या अपने जो भी रिलेटिव में हैं उनका मोबाइल नंबर फिल करें, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाती है। तो आप यहाँ पर जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो ओटीपी जाएगा। जैसे यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद भेजें ओटीपी पर क्लिक करेंगे। और ध्यान रखना है इस ओटीपी आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वेबसाइट में, जिस वजह से आपको वेट करना है ओटीपी का। जैसे ही ओटीपी आता है, जैसे हम यहाँ पर हमारे पास ओटीपी प्राप्त हो चुका है 6 डिजिट का, ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे किसान का कृषक का पंजीकरण, यहाँ पर आप देखेंगे कृषक का पंजीकरण नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए हम एक यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, संख्या को एंटर कर लेते हैं। इसके बाद खोजें पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम खोल, विवरण आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद यंत्र का प्रकार यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पूरा विवरण आ चुका है, और यंत्र का चयन करें यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल में नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारे मंडल का नहीं है, इसलिए यहाँ पर लक्ष्य भी आप देख सकते हैं 200% का है। तो वापस हम यहाँ पर इस पेज को क्लोज कर देते हैं, वापस हम इसी पेज को फिर से ओपन करेंगे और टोकन जनरेट करने के लिए। तो यहीं से ही आपके टोकन जनरेट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एवं अन्य योजनाओं की बुकिंग हेतु यहाँ पर क्लिक करना है, मैंने प्रोसीजर बताया कैसे करना है। तो मंडलानुसार जो भी आपका डेट है उस टाइम के अनुसार आपको बुकिंग करना है। वेबसाइट उस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो आपको उसी पेज पर बने रहना है और बार बार उस पेज को रिलोड करना है, और रिलोड करने के बाद जैसे ही आप यहाँ देखेंगे ये ताला बना हुआ है, मतलब सिक्योरिटी लॉक है, कैसे कुकीज आपको बार बार रिमूव करना होगा, और रिमूव करने के बाद आप बड़ी आसानी से वेबसाइट में ओपन हो पाएंगे। और ये प्रक्रिया आप जरूरी नहीं कि लैपटॉप पे ही करें, ये प्रक्रिया आप मोबाइल पे भी कर पाएंगे। जब आपका टोकन जनरेट हो जाएगा तो इसके बाद आपको कंफर्मेशन मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी कि आपका टोकन जो है कंफर्म कर दिया गया है। हालांकि हम पीएम कुसुम की टोकन रिपोर्ट पर आ चुके हैं, आप अपने टोकन रिपोर्ट, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज हैं जिनमें हमने ये बताया है कि कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हमारा टोकन बुकिंग हो चुका है। जैसे ही आपका कंफर्म कर दिया जाता है इसके बाद हम टोकन को जनरेट करते हैं, और जो भी जमानत राशि है उस राशि को, जमानत राशि जमा करने के बाद जो भी आपका बैंक रहेगा उसका नाम लिखा रहेगा उस बैंक में, जैसे ही आप जनरेट करने के बाद जो भी अमाउंट राशि होगी जमानत राशि उसको जमा करने के बाद आपका टोकन कन्फर्म हो जाएगा। और जो भी आगे की प्रक्रिया है मैंने बताया कि बहुत सारे वीडियोज हैं इस संबंध में, हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप उन वीडियोस को देख के हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि वेबसाइट में जो बड़ा परिवर्तन किया गया है, हालांकि इस संबंध में मैंने पहले भी आपको अपडेट कर दिया था कि वेबसाइट में यहां पर इस तारीख से टोकन जनरेट होंगे, हालांकि कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था तो वो डेट यहां पर रद्द कर दी गई थी, लेकिन नेक्स्ट डेट हमने आपको बहुत जल्दी यहां पर पहले ही आपको इन्फॉर्म करा दिया गया था। तो यहां तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके मन में और कोई सवाल है या कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करें।